अभी हम लोग खाते के अंदर आ गए हैं, मशीन की पावर ऑन कर रहे हैं। मशीन की पावर ऑन करने के बाद देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो भी है पता चलेगा। तो देख रहे हैं आप लोग, अभी मैंने पावर ऑन कर दिया। पावर ऑन करने के बाद अभी पता चलेगा अपने को प्रॉब्लम क्या है। देखिए प्रॉब्लम है, सामने दिख रहा है हीटर की लाइट जो है बुक 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 कर रही है, जिसको कंटिन्यू जलना चाहिए था। एक बार हम डिस्प्ले के अंदर HMI ऑन करेंगे, उसको देखेंगे HMI के अंदर क्या है, किस हिसाब का है, कोई और तो फॉल्ट तो नहीं है। कोई और फॉल्ट है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार डिस्प्ले के अंदर काम कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो वीडियो में पूरा बने रहना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर ROG डिवाइस नॉट ऑनलाइन करके आ रहा है, और वीडियो में पूरा बने रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि अभी लाइट कंटिन्यू जल रही है। प्रॉब्लम यही था कि कंटिन्यू लाइट नहीं जल रही थी, तभी हमने इसमें काम किया है। काम करने के बाद अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी हम मशीन रनिंग कंडीशन में देखे जाएंगे, क्योंकि मशीन रनिंग नहीं करते हैं तो बाद में पार्टी का कंप्लेन आती है कि आपके यहाँ से ये सर्विस इंजीनियर आया था और काम करके बराबर गया नहीं है। तो उसके लिए हम पहले मशीन प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। एक एक वन बाय वन सेटिंग को है हम चेक कर लेते हैं कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बाद में बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ से निकलने के बाद पता चलता है कोई और प्रॉब्लम था, कोई कोई चेक नहीं करता। लेकिन हम तो पूरा चेक करके ही निकलते हैं यहाँ से, और हम तो सबको बोलते हैं कि पूरा चेक करके ही निकलो। और हमारे सर्विस इंजीनियर के अलावा आप जो खाते में काम करते हैं, जहाँ पर भी काम करते हैं, वहाँ पर ये सब कुछ चेक करना ही होता है। जैसे मशीन भी चालू कर रहे हैं तो पहले तो आपको गेटिंग नोटिंग में सबसे पहले मशीन को बराबर फिनिश करना पड़ेगा, सफाई वगैरह करने पड़ेंगे, क्लीन करके उसके बाद ही मशीन गेटिंग करें, ये सब करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जो भी उसमें फॉल्ट होती है, जो भी अगर पार्ट वगैरह डैमेज होता है तो पार्ट वगैरह पता चल जाता है कौन सा पार्ट डैमेज है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर धागा डाल रहे हैं। धागा डालने के बाद एक बार चालू करेंगे। हालांकि इसमें थोड़ा सा शॉर्ट मैंने किया है वीडियो को, बट नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा वीडियो मिलेगा किस हिसाब से मैंने काम किया था और क्या किया था, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। अगर आपको जानना है तो ज़रूर अगले वीडियो देखें। अगले वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा और पूरा मिलेगा। और कोशिश रहेगा मेरा कि जहाँ से तक आप लोगों का सपोर्ट मिल सके मुझे, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा तो हम थोड़ा सा काम करने में हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, दिलचस्पी आएगी। तो आप लोगों का भी प्यार मिलता रहे। और इसमें तो देखिए अभी सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, हमारा कुछ अलग है, सबसे थोड़ा सा अलग होना चाहिए, क्योंकि सबसे अलग रहेगा तो काम अच्छा होगा। और परंपरा जैसे परंपरा का काम करते नहीं हैं, जो परंपरा हमें पूरा दुनिया काम करती है उससे हम हट के काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से करना पड़ेगा। अभी एक क्या है, वो फिल्म वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ। तो यहाँ पे ABS प्रॉब्लम है, सामने आप देख रहे हैं ABS, जिसको हम प्लस बोलते हैं, पल्स बोलते हैं, उसका प्रॉब्लम है। और बहुत लोग इसको WBS भी बोलते हैं, शॉर्ट भाषा में ABS जिसको नहीं बोलना होता है वो WBS बोल देता है। तो यहाँ पे देखिए WBS का प्रॉब्लम है। हालांकि जो मेरे को प्रॉब्लम मिला था वो तो मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। अभी यहाँ पे दूसरा एक प्रॉब्लम ABS का आया हुआ है, इसके लिए मैं बोला था कि मैं पूरा प्रॉब्लम ही चेक करके फिर ही निकलूँगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार एक ही कंप्लेन में हम आते रहे तो परफेक्ट नहीं होगा। और देख सकते हैं आप अभी इसमें ABS का भी प्रॉब्लम अपने सॉल्व करेंगे। ABS का प्रॉब्लम जो है अभी आप देख ही रहे हैं ABS का प्रॉब्लम क्या था। अभी ABS का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, अभी मशीन चालू हो गई है। अभी ये भी बताएंगे, क्योंकि ABS को हमने बाईपास कर दिया, बाईपास करने के बाद हमने मशीन चालू किया है, क्योंकि ABS अभी स्टॉक में था नहीं, और ABS आएगी तो हम लगा देंगे और चालू भी कर देंगे। हालाँकि मशीन में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, मशीन कंटिन्यू चलेगी,
दोनों भी वाइंडर चल रहे हैं, अच्छा खासा मशीन से लेट हुए।